नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे ज्योग्राफी के तीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये तीस क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं आपने बहुत परिश्रम किया है तो जरूर आपको सफलता मिलेगी इस तीस क्वेश्चन के टेस्ट वीडियो में आपको बीस नंबर कम से कम लेकर आने हैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको पाँच सेकंड का समय दूंगा एग्जाम जरूर होने वाले हैं जल्द से जल्द तो आपकी तैयारी एक बार आप चेक करिए कि ज्योग्राफी आपकी कितनी रेडी है क्योंकि ज्योग्राफी से तीन से चार नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट लक है स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहा है बताइए चलिए देखते हैं तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण असम में स्थित है ऑप्शन नंबर असम सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है यह क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं उस एग्जाम के भी नाम मैंने लिख दिए हैं क्या उत्तर होगा बताइए चलिए देखते हैं तो मांड और महानदी के संगम पर जो है ऑप्शन नंबर सी चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर स्थित है धार्मिक स्थल स्थित है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया बंकिंगहम नहर कहां पर स्थित है बताइए चलिए देखते हैं तो बंकिंगहम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है राइट आंसर क्या है बतलाइए चलिए देखते हैं तो गौरलाटा चोटी समरी पार्ट में स्थित है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए उत्तर हो जाएगा सामरी पार्ट में स्थित है गौरलाटा चोटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताइए चलिए देखते हैं तो अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हैं है। छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति भारत में किस क्रम पर है बतलाइए चलिए देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति भारत में तीसरे नंबर पर है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है। सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है बताइए चलिए देखते हैं तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है बांसवाड़ा में स्थित है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है? रहा स्क्रीन पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है बताइए चलिए देखते हैं तो राष्ट्रीय ऊट अनुसंधान केंद्र जोजबीड बीकानेर में स्थित है ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गया है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है बताइए चलिए देखते हैं तो हमारा वायुमंडल पांच परतों में बटा हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना में कौन कौन सी नदियां बहती हैं बताइए चलिए देखते हैं तो इनमें से गोदावरी नदी जो है तेलंगाना में बहती है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है सौ प्रतिशत सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है बताइए चलिए देखते हैं तो सौ प्रतिशत सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया बताइए चलिए देखते हैं तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी वर्ष 2008 में घोषित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गया है अक्षांशीय माफ करिएगा भारतीय मानक समय किस पर आधारित है बताइए चलिए देखते हैं तो भारतीय मानक समय बयासी दशमलव पांच डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है भारत का मानक समय ग्रीन विच से कितना आगे है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत का मानक समय ग्रीन विच माध्य से पांच घंटे तीस मिनट आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न टिप कहां पर है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा माफ करिएगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है क्षमा करिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग था बताइए। चलिए देखते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग किए गए हैं बतलाइए चलिए देखते हैं तो अंडमान और निकोबार दीप समूह एक दूसरे से दस डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए है। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है बताइए चलिए देखते हैं तो कुडाई कनाल पालनी की पहाड़ी पर स्थित है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा हैं क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तथा दक्षिणी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है बताइए चले देखते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है बताइए चलिए देखते हैं तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरावली पर्वत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है बताइए चलिए देखते हैं तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कहां पर है बतलाइए चलिए देखते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग में है राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है यहीं से गंगा के नाम से नदी फिर जानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किसमें से इनमें से किस राज्य में स्थित है बताइए चलिए देखते हैं तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है बताइए चलिए देखते हैं विश्व तो का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है झूम क्या है राइट right आंसर क्या है बताइए चलिए देखते हैं तो झूम जो है कृषि का एक तरीका है झूम कृषि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है बताइए चलिए देखते हैं तो कालिंदी यमुना जी का दूसरा नाम है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है बताइए चलिए देखते हैं तो दिल्ली यमुना नदी के ही किनारे है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा और यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी इनमें से बहती है इसका आंसर आप हमें अपने नाम के साथ में जरूर शेयर करें तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो टेस्ट क्या स्कोर रहा आपका जरूर हमें बताएं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और कोई भी क्लास आपसे ना छूटे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा लिंक क्योंकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे तो जरूर सहयोग करें लाइक और शेयर के माध्यम से चैनल पर दिन भर में चार क्लासेस होती हैं इनके टाइम मैंने स्क्रीन पर आपको दे दिए हैं इन सभी टाइम पर आप वीडियोस देख सकते हैं हर दिन आपको लेटेस्ट नया वीडियो मिलता है अलग अलग क्वेश्चंस के साथ में तो आप ज़रूर जुड़ें हमसे आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सफल बनने के लिए परिश्रम करते रहिए सफलता एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी अगर मेहनत आपने पॉजिटिव की होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें नमस्कार